और बड़े प्यार से वात्सल्य भाव से अपनी बहन को लेने के लिए यमुनोत्री आए थे। और यमुनोत्री से लेकर शीतकालीन प्रवास तक अनवरत आज 6 माह तक शनि महाराज और यमुना जी के दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। जिस जातक के ऊपर शनि की किसी भी प्रकार की दशा है, साढ़े सात ये अंतर दशा पतन दशा है, तो शनि महाराज के दर्शनों का लाभ करके शनि महाराज ने अपनी बहन को ये प्रदान किया। साथ में सोमेश्वर महाराज है, सोमेश्वर महाराज क्योंकि सोमेश्वर जो है वो भगवान शिव का ही रूप है और आज बाबा केदार के भी दर्शनों का लाभ आप कमाल बंद हुए हैं, तो सोमेश्वर के रूप में आप बाबा केदार के दर्शनों का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री यमुने, जय श्री यमुने। हमारे बीच में यमुना जी के वरद पुत्र जो मथुरा से आए हैं पाठक जी रंजीत पाठक जी आए हैं, जिन्होंने यमुना के लिए अनवरत अपनी जान की परवाह न करते हुए कई बार उन्होंने उद्गम से लेकर संगम तक ये संकल्प है आपका, आप प्रचंडा के रूप में मां यमुना की स्वच्छता के लिए जिस प्रकार से यमुना में कालिया नाग ने यमुना को प्रदूषित किया था, ठीक उसी प्रकार के कलयुग के जो महापापी हैं, जो फैक्ट्रियों की अनेक प्रकार की गंदगी मां यमुना में उड़ रहे हैं, उनकी सफाई का जो पीड़ा जो संकल्प हमारे रंजीत पाठक ने लिया है, हम रंजीत पाठक भी छप्पन भोग भी लाए और छप्पन भोग भी भगवान कृष्ण की जो पावन नगरी है मथुरा वहाँ से छप्पन भोग भी यमुना जी के लिए आया है कि यमुना जी कृष्ण प्रिय है। तो हम लोग चाहते हैं यश स्मरण मातृण जन्म संसार वंदना नम तस्मे विष्णवे पर विष्णवे नम समस्त भूतानाम आदि भूता है भूप्रते अनेक रूप रूप आया विष्णवे पर विष्णवे। ऐसे कृष्ण की ठाकुर जी की पटवारी मां यमुना के लिए स्वयं ठाकुर जी ने अपना 56 प्रकार का जो भोग है वो यमुना जी के लिए भेजा है। अभी मां यमुना जो है जैसे ही शीतकालीन प्रवास में पहुंचेगी वहां पर रंजीत पाठक जी द्वारा जो है 56 भोगों के से मां यमुना का दिव्य और भव्य भोग लगेगा और उसका प्रसाद समस्त देशवासियों को राष्ट्रवासियों को प्रेषित किया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में 20 नवंबर 2023 को गोपाष्टमी है, उसमें भी हमारा एक और संकल्प है सनातन धर्मावलंबियों का। इस समय सनातनियों की सरकार है पूरे देश में, तो हम लोग चाहते हैं गौ माता को भी राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए समस्त देशवासी जो है भारतवर्ष की जो राजधानी का जो रामलीला मैदान है उसमें बढ़ चढ़ करके आप प्रतिभाग करेंगे और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जय श्री अम्बे, जय श्री अम्बे, जय श्री अम्बे। भैया दूज के पावन पर्व पर आज माँ यमुना के कपाट सरदार तीर्थयात्रियों के लिए शुभ मुहूर्त शुभ लग्नानुसार बंद कर दिए गए हैं और माँ यमुना यमुनोत्री धाम से अपने गंतव्य शीतकालीन प्रवास भूसीमठ खरसाली में जहाँ पर माँ यमुना जी के अनवरत 6 माह तक निरंतर शीतकालीन मंदिर में दर्शनों का लाभ श्रद्धालु भक्त जन ले सकेंगे। तो आइए हम सबसे पहले आपको यमुनोत्री धाम से माँ यमुना के दिव्य धाम यमुनोत्री से समस्त सनातन धर्मावलंबियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज जितने भी श्रद्धालु तीर्थयात्री उद्गम से लेकर संगम तक माँ यमुना के जो अनुयायी हैं उन जातकों के समस्त दुख पाप ताप साप सबको हरने वाली कलिमल हारणी माँ सूर्य तनिया कृष्ण प्रिया श्री यमुना जी के उद्गम स्थली यमुनोत्री धाम से बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं हैं। तो आज के दिन जो भाई दूज का जो पावन पर्व है वो सिर्फ और सिर्फ श्री यमुना महारानी जी का है, क्योंकि यमुना जी के 3 भाई हैं, यमो भी भगिनी सुतान कथ मोहंती दुष्टान भी। सबसे पहले जो यमुना जी के अग्रज हैं यमराज जी महाराज, जो कि बैतरणी से जो भी आपके पूर्वज हैं जो संतप्त अधोगति में जो गए हैं वो लोग जो भाई बहन आज के दिन में माँ यमुना के तट उद्गम से लेकर संगम तक यमुना का अवगाहन करते हैं, पान करते हैं, स्नान करते हैं, यमुना जी का मार्जन करते हैं, पूजन करते हैं, उनके सब मनोरथ आज के दिन पूर्ण होते हैं। दूसरा, जिन जातकों के ऊपर शनि की साढ़े साथी है, अंतर दशा है, प्रतंत्र दशा है, वक्र दृष्टि है, वो लोग भी आज के दिन यमुना के तट पर शनि महाराज के बीज मंत्र का जो जाप करते हैं तो उन जातकों के ऊपर कभी भी शनि महाराज की साढ़े साथी वक्र दृष्टि अंतर दशा प्रतंत्र दशा का कोई किसी भी प्रकार का उस जातक के ऊपर
जो है वो उसका प्रभाव नहीं होता है। ऐसा शनि महाराज ने भी अपनी बहन यमुना जी को वरदान दिया है। तीसरा जो हनुमान जी जो यमुना जी के तीसरे भाई हैं और भगवान सूर्य के जो शिष्य हैं हनुमान जी महाराज, वो भी यमुना जी के गुरु भाई हैं। तो उनके किसी भी जिस जातकों के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट है तो वो संकट भी आज के दिन उन जातकों के सारे संकटों को हरने वाले हनुमान जी महाराज ने भी अपनी बहन को वरदान दिया है। अयोध्या के बाद आज यमुना महारानी का नित्य निवास बंदरपुर नाम की जो चोटी है वो कलिंदगिरी मस्तके पदत मंद पूरो चला विलास गमरो लसत प्रगट गंड सैलो, जहाँ से माँ यमुना जी का प्रादुर्भाव है उसी कलिंद पर्वत के ठीक सामने बंदरपुर नाम की चोटी है, जहाँ हनुमान जी महाराज का नित्य निवास अपनी बहन यमुना के पास सदैव बना रहता है। तो आइए आप भैया दूज का जो पावन पर्व है इस पर हम समस्त देशवासियों को जो यमुना के अनुयायी हैं, जो पुष्टि मार्गीय हैं, सभी पुष्टि मार्गीय भक्तों को माँ यमुना जी का वरद हस्त प्राप्त हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भैया दूज की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आज के बाद आप जो भी श्रद्धालु तीर्थ यात्री चार धाम की यात्रा पर आएंगे तो माँ यमुना जी का जो शीतकालीन प्रवास खुशी मठ खरसाली में है वहाँ पर अनवरत माँ यमुना जी के दिव्य दर्शनों का लाभ आज 6 माह तक प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री यमुना। आप देख रहे हैं यमुना जी के साथ में उनके भाई शनि महाराज। देखिए जिस जातक के ऊपर शनि का किसी भी प्रकार का प्रभाव है तो इधर से वो जाग देता है, इधर से शनि महाराज। ये यहाँ पर देखिए ये यमुना जी के को देने के लिए स्वयं यमुनोत्री धाम में आज शनि महाराज जी पहुंचे हुए थे, अपनी बहन को धूमधाम से और बड़े प्यार से वात्सल्य भाव से अपनी बहन को देने के लिए यमुनोत्री आए थे। और यमुनोत्री से लेकर शीतकालीन प्रवास तक अनवरत आज 6 माह तक शनि महाराज और यमुना जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त करेंगे। जिस जातक के ऊपर शनि की किसी भी प्रकार की दशा है, साढ़े सात ये अंतर दशा पतन दशा है, तो शनि महाराज के दर्शनों का लाभ करके शनि महाराज ने अपनी बहन को ये वरदान दिया। साथ में सोमेश्वर महाराज है, सोमेश्वर महाराज, क्योंकि सोमेश्वर जो है वो भगवान